हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। वेल, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टॉप 3 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, और ये जो वीडियो है ये सीरीज का 7वां वीडियो है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? तो एक तरीके से हम कंपनी का हेल्थ चेकअप करते हैं, उसी तरह से जैसे किसी इमारत की नींव या फाउंडेशन कितनी मजबूत है उस पर निर्भर करता है कि उस पर कितनी मंजिलें बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल उसी तरह से किसी कंपनी की बैलेंस शीट कितनी मजबूत है, उसके प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है, उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और एक बहुत ही अच्छा कोट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। वेल, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो बेसिकली बेड रॉक ऑफ इन्वेस्टिंग है। हम फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा ऑपरेटिंग रेवेन्यू, फिर हम समझेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तीसरा हम समझेंगे शेयर कैपिटल एंड टोटल रिजर्व्स, फिर हम समझेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज, और पांचवा हम समझेंगे एल्टेमान जेड स्कोर। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू से। ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो कंपनी की मेन एक्टिविटीज से जनरेट होता है। तो जब आप किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट खोलेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कि अगर पिछले 5 साल में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ रहा है या गिर रहा है या फिर स्टैग्नेंट है। हमारी प्रेफरेंस होगी कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 7-10 साल बढ़ रहा हो। ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी पिछले 5 साल से ज़्यादा काम कर रही है 7-10 साल और ग्रो कर रही है। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट में हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों, प्रॉफिट ड्राइव होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस करके, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, टैक्सेस, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद जो फिगर आती है वो होती है हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में पिछले 4 या 5 साल से प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, जिससे पता चलता है कि कंपनी की ग्रोथ हो रही है और शेयर होल्डर का पैसा भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे शेयर कैपिटल और टोटल रिजर्व। तो अगर दोस्तों शेयर कैपिटल पिछले 4 या 5 साल से स्टैग्नेंट है तो एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कंपनी ने कोई न्यू शेयर्स इशू नहीं किए, और अगर कंपनी का रिजर्व्स और सरप्लस पिछले 4 या 5 साल से लगातार बढ़ रहा है तो इससे कंपनी की स्ट्रेंथ का पता चलता है, ये भी एक अच्छा साइन है। इसके बाद हम देखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कंपनी को 1 साल से ज़्यादा समय में देनी होती है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स जो 3 या 4 साल में देना होगा। इसके बाद हम देखेंगे करेंट लायबिलिटीज। तो दोस्तों, करेंट लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो करेंट लायबिलिटीज होती हैं वो कंपनी को 1 साल के अंदर रीपे करनी होती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एल्टेमान जेड स्कोर। एल्टेमान जेड स्कोर ये प्रेडिक्ट करने में मदद करता है कि कोई भी कंपनी अगले 2 साल में बैंकक्रप्ट हो सकती है या नहीं, और ये हिस्टोरिकली 80-90% ठीक रहा है। अब अगर किसी कंपनी का एल्टेमान स्कोर 1.8 के पास है तो इसका मतलब है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कंडीशंस थोड़ी वीक है और नियर फ्यूचर में ये बैंकक्रप्ट हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर एल्टेमान जेड स्कोर 3 या उससे ऊपर है तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है और आप उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे आज डिस्कस की हैं, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़ और एल्टेमान जेड स्कोर, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं screener.in पे जाके। और मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आप ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनकी एक चेकलिस्ट बना लें, ताकि जब भी आपको किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करनी हो आप आसानी से कर लें। और दोस्तों, नेक्स्ट वीक से एक वीडियो सीरीज निकालूंगा जिसमें मैं हर हफ्ते निफ्टी की एक एक कंपनी की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।